36 के वार्ड नंबर 26 में सभापति मनोहर मोटवानी द्वारा निरीक्षण किया गया। बंगला नंबर 32 के वार्ड नंबर 26 में सभापति मनोहर मोटवानी द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके बाद जल्दी सीसी रोड का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मनोहर मोटवानी ने वार्ड का भ्रमण किया। बंगला नंबर 32 के निवासियों के आग्रह पर वह निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ इंजीनियर, नगर पालिका पूरा अमला भी रहा। उन्होंने दौरा कर वहाँ जो जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो कि वर्षों से उनका निराकरण नहीं हुआ है, तो मौके पर ही उन्होंने निराकरण करने के आदेश दिए और जल्दी सीसी रोड और लाइट वगैरह की व्यवस्था करा दी जाएगी और वार्ड वासियों के साथ मीटिंग कर अतिक्रमण पर भी चर्चा कर उसका भी निराकरण किया जाएगा। और मनोहर मोटवानी द्वारा साफ सफाई को लेकर भी वार्ड वासियों से आग्रह किया है कि नालियों में पॉलिथीन वगैरह नहीं फेंके, वार्ड वासियों के सहयोग से ही कार्य पूर्ण हो पाएंगे। देखिए, आज मेरे वार्ड का भ्रमण था। बंगला नंबर 32 की जनता ने मुझे काफ़ी सहयोग किया और इनके आग्रह पर मेरा आज दौरा था। साथ में इंजीनियर, नगरपालिका का अमला पूरा था। मैंने बंगला नंबर 32 का पूरा दौरा किया। वहाँ पर जो जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो वर्षों से उनका निराकरण नहीं हुआ है, मौके पर ही मैंने निराकरण करने का निर्देश दिया है। और कल ही यहाँ पर सीसी रोड और लाइट वगैरह सब जो भी है व्यवस्थाएँ हो जाएगी। देखिए, अतिक्रमण काफ़ी पुरानी समस्या है और मैंने यहाँ पर देखा सड़कें वगैरह बंद है और जनता द्वारा ही अतिक्रमण किया गया है। अब ये आपसी सहयोग से ही संभव हो पाता है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर बोला है सारे वार्डवासी, हम मीटिंग करेंगे, यथासंभव जो भी मदद होगी वो करके और इसका भी हम निराकरण करवाएंगे आपसी सहमति से। और क्या क्या समस्या आपने अपने वार्ड में पाई है यहाँ पे? देखिए, सफाई की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वार्डवासियों द्वारा या मोहल्ले वालों द्वारा नाली में जो भी प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह थी, उसके लिए भी मैंने उनसे आग्रह किया कि आपके सहयोग के बिना यहाँ पर कुछ संभव नहीं है, आप सहयोग रखें। तो सभी वार्डवासियों ने सहमति दी है कि नहीं, हम भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कचरा नहीं हो, क्योंकि जनता के द्वारा ही सहयोग मिलेगा तभी सफाई की व्यवस्था होगी।